खैर उस दिन के बाद मैं अपने घर वालों को कभी मिलती ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक्स ऑफ लाइफ। और आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने लाइफ से जुड़ी एक सच्ची स्टोरी आप सबको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। तो चलो आज की स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। तो ये कहानी है मेरे स्कूल टाइम की, जब मैं फर्स्ट या सेकेंड क्लास में होंगी। और मेरा स्कूलिंग ना 7th क्लास तक आदर्श नगर के ज्योति मॉडल स्कूल में हुआ है। तो तब वहाँ क्या होता था कि स्कूल के बाद आप ट्यूशंस भी ले सकते थे। तो मैं वहाँ पे स्कूल भी अटेंड करती थी, उसके बाद स्कूल के बाद ट्यूशंस भी वहीं पे अटेंड करती थी। तो उस दिन ना रोज की तरह मैंने अपना स्कूल अटेंड किया, ट्यूशन भी अटेंड किया, और ज्योति मॉडल के प्राइमरी बिल्डिंग के सामने आकर ऑटो वाले अंकल का वेट करने लगी। तब स्कूल कैब्स की जगह ना ऑटो ज्यादा चलते थे। तो हमेशा की तरह मेरी छुट्टी हुई 4 बजे और अंकल आते थे 4:15 के बाद ही। तो प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग थी ना, वो हमारे मेन स्कूल से ना थोड़े से डिस्टेंस पर थी, जो कि अभी भी सेम ही है। और स्कूल में ट्यूशन तब बहुत ही कम बच्चे लेते थे, तो मैं अपने ऑटो में अकेली ही थी जो ट्यूशन लेकर बाद में आती थी। तो उस दिन मैं वहाँ वेट कर रही थी और अपनी मस्ती में, जैसे उस एज के बच्चे करते हैं, स्टेयर्स के रेलिंग पर झूला झूल रही थी। तो वहाँ स्कूटर पर ना अचानक एक अंकल आते हैं। वो उस रोड के बिल्कुल मिड में स्कूटर खड़ा करते हैं, और तब तक मुझे नहीं पता कि ऐसा पीछे कुछ हो रहा है या कुछ है या कोई खड़ा है। सो अचानक मेरा एकदम से ध्यान गया, और मैं जैसे ही मुड़ी तो मैंने देखा कि एक अंकल ना स्कूटर पर बैठे हैं, और बैठे बैठे ना बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी के हेलो उसको, बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रहे थे, बहुत ही गंदी हरकतें कर रहे थे। मैं वहां अकेली थी तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने क्या किया, मैं उस रेलिंग से उतरी और मैंने अपना बैग उठा के अपनी गोदी में रखा, और मैं वहां जाके चुपचाप स्टेयर्स पे आंखें नीचे करके, मुंह नीचे करके बैठ गई। फिर अचानक ना उन अंकल ने ना अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाली और मुझे ऐसे शो की, कि मतलब मुझे दिखाया कि बेटा लोगे, और वो कुछ बोले नहीं, चॉकलेट दिखाई उन्होंने मुझे। मुझे और अजीब लगने लगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स शुरू से ही कहते हैं कि किसी से ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए और ये सब। तो क्या हुआ कि मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि यार अभी अंकल बहुत कुछ अजीब ही कर रहे थे, एंड अभी मुझे चॉकलेट दिखा रहे हैं। तो अचानक से ना वो अंकल एकदम से अपने ऑटो से ना हल्का सा जैसे उठे, सीट से हल्का सा उठे। पता नहीं वो उठ के शायद मेरी तरफ ही आने वाले थे या क्या। तो जैसे ही वो हल्का सा उठे तो पीछे से ना मेरे ऑटो वाले अंकल आ गए। एकदम से उन्होंने क्या किया, वो अंकल जैसे ही हल्का सा उठे थे, वो एकदम से स्कूटर पे बैठे और उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया और वो चले गए। तो उसके बाद मैं नॉर्मल थी, और मैं जैसे नॉर्मली मैं घर पर आई, और मैंने ना घर आके किसी को कुछ नहीं बताया। पर मैं तब ना छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो सब क्या था। पर अब मुझे पता है कि उस दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। शायद उस दिन के बाद मैं अपने घर वालों को कभी मिलती ही नहीं। उस दिन मेरा लक था कि कुछ भी ऐसा हादसा या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होने से पहले वो ऑटो वाले अंकल आ गए और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। बट आज मैं आपसे ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो ना बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, और अगर किसी भी बच्चे को लगे ना कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, या कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, या उन्हें कोई चीज दिखा रहा है, टॉफी चॉकलेट या कुछ भी ऐसा गलत काम हो रहा है, तो यार घर में आके ना अपने पेरेंट्स को जरूर बताना, उनसे बात जरूर करना, या जिससे भी आप पूरे घर में कंफर्टेबल हो ना बात करने में, उन्हें जरूर बताना अगर आपके साथ कोई छोटा इंसिडेंट भी होता है या कोई बड़ा भी होता है। मैं उस टाइम छोटी थी, मुझे नहीं पता था तब क्या करना है, बट अब मैं जानती हूँ कि मुझे उस दिन अपने घर वालों को बता देना चाहिए था। शायद मुझे मेरे पापा डांटते भी, शायद मुझे मम्मा मारती भी, बट वो हमारे पेरेंट्स हैं यार, वो सब समझते हैं, उन्हें पता है कि आपकी गलती नहीं थी। तो आप ना निडर होके अपने पेरेंट्स को बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, वो आपको जरूर समझेंगे। थोड़ा डांटेंगे कुछ नहीं होता यार, पेरेंट्स हैं, पर वो आपको जरूर समझेंगे, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा और कोई आपको नहीं समझता है। एंड पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे आपसे कम एक्सपीरियंस जरूर हैं, पर लाइफ के चीजों का एक्सपीरियंस वो भी करते हैं, चाहे छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सब एक्सपीरियंस उन्हें भी होता है। तो कोशिश करें कि उनकी बात समझें, जो उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें, उनके साथ जितना कंफर्टेबल हो सकते हैं आप बात करने में उतना होइए, ताकि वो आपको अपनी सारी बातें बताएं, इंस्टेड ऑफ कि बाहर वो किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी दोस्त से या किसी और से बात कर रहे हैं अपने बारे में। तो बेहतर है कि वो आपसे आके बताएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, और इससे आपके बच्चे आपसे कनेक्टेड भी रहेंगे, वो कंफर्टेबल भी रहेंगे आपको अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट बताने में।
तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, बड़ी नहीं थी पर कुछ भी बड़ा हो सकता था या कुछ भी हो सकता था, बट तब तक मुझे नहीं पता था कि वो सब क्या है। बट वो एक ऐसा इंसिडेंस था कि जो अभी भी विजुअली मुझे पूरा अच्छे से याद है, अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। सो आज की स्टोरी टाइम में इतना ही था, कुछ गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, पर पेरेंट्स और बच्चे आपस में बात जरूर करें। सो ये थी मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली स्टोरी टाइम्स को भी आप सुन पाएं। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।